हेलो दोस्तों, कल मॉर्निंग में जाना है अपने को फिशिंग करने के लिए और हमारी पूरी टीम दद्दू सूरज और विक्की भैया ये अमरावती पहुँच गए हैं और कल मॉर्निंग में जाकर फिशिंग करना है। तो कल ये भैया की रॉड है, ये रखा है मैंने, भैया की रॉड से फिशिंग करेंगे और उसकी मशीन रखेंगे। ये मशीन है भैया की जो भैया ने रखा है खेलने के लिए, और भैया का ही रॉड है, बाकी सब सामान इंस्ट्रूमेंट लेके गए हैं साथ में। और ये दो फ्रॉग हैं जो कल के फिशिंग के लिए रखे हुए हैं, देखिए इसमें से ये पुराना हो गया है थोड़ा, तो कल ये फ्रॉग से खेलने वाले हैं। देखिए कलर बहुत ज़बरदस्त है, ग्रीन और ब्लैक पर थोड़े थोड़े डॉट्स हैं उसके, देखिए। और इससे कल मॉर्निंग में जाकर फिशिंग करेंगे। एक्चुअली क्या है, कल ड्यूटी होने की वजह से ज़्यादा तो नहीं खेल पाएंगे, दो ढाई घंटे कुछ जो भी टाइम निकलेगा वो देखेंगे। सुबह मॉर्निंग में जाएंगे 6:30 बजे और 9:30 बजे तक का रिटर्न आना है अपने को, और देखते हैं उस वक्त में कितना शिकार होता है अपना। जो भी होगा कल की वीडियो में आप देख सकेंगे। चलो तो मिलते हैं दोस्तों अपने स्पॉट पर। आप देख रहे हो SBR वीकेंड फिशिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना, अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करना, यानी जो भी नया वीडियो आएगा वो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों मॉर्निंग में अपने स्पॉट।
बड़े वाले। देखिए दोस्तों यहाँ का फैंसी का कर वीडियो पर देखिए दोस्तों आज का अपना पहला शिकार है। करीबन 3-4 किलो का नाग है। नहीं तो थम लेना। हाँ दूसरा पीस हटते है ना अपना। बढ़िया ये सेकंड नग है दोस्तों आज मॉर्निंग में पकड़े। तो वीडियो निकाला ना आंता नहीं पाए। चलो ठीक है जाओ देते हैं इकड़े सद्या तो असा राठो होते तुम्हाला चल ग्रुप मध्ये सेंड करायचं। हां नाही आमचं एक YouTube चॅनल आहे। आपल्या जर लिप नसे नाही मैदानात खेळ राहिलो तो वर पाहिजे पप्पा थांबा जास्त थंड होत पाहिजे देखिए दोस्तों आज सुबह में आए थे 6:30 बजे करीबन अभी 9 बज गए हैं। भाई 3 घंटे में हमारा शिकार हो गया है। पूरे 3 नग लगे। देखिए ये पहला नग लगा था बहुत बढ़िया नग है और बहुत बढ़िया साइज है।
दूसरा नक्शा दोस्तों, ये भी करीबन 2.5-3 किलो का होगा और ये भी बढ़िया साइज है। हमारा तीसरा नग है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। पकड़ संगीता पकड़ ली।